नमस्ते दोस्तों, कामिनी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप पुराने सारे तरीके भूल ही जाएंगे इसे देखने के बाद। तो चलिए भाई, बिना देरी किए हुए करते हैं ये रेसिपी शुरू। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पनीर लिया है। मैं पनीर को साबुत ही रखूँगी। आप चाहें तो इस पनीर को जैसे हम लोग कट करते हैं, आप कट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे थोड़ी सी जो है इस तरीके से पसंद आती है पनीर, मैं आगे आपको बताऊँगी। तो मैंने इसीलिए साबुत रखा है। 4 प्याज 3 टमाटर और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ली हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सी ग्राइंडर जार लेंगे, इसमें मैंने लहसुन की कलियाँ डाली हैं। और छोटे साइज़ के प्याज थे तो मैंने 4 लिए हैं। अगर मीडियम साइज़ के प्याज हों तो आप 2 ले सकते हैं। और इस तरीके से हम प्याज को कट कर लेंगे। तो लीजिए, हमने सारे प्याज कट कर लिए। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च। तो इस तरीके से मैं तोड़ करके डाल दूँगी ताकि पीसने में आसानी हो। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इस अदरक के टुकड़े को भी हम कट करके डाल देंगे। अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ साबुत धनिया, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और 1 मोटी इलायची 2 हरी इलायची, इनसे फ्रेशनेस भी आएगी और खुशबू जो आती है ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट ढाबो स्टाइल आती है। और 4 के करीब मैं यहाँ पे लौंग ले रही हूँ और 7-8 दाने मैं काली मिर्च के ले रही हूँ। तो चलिए, इन सभी मसालों को हमें ज़रूर इसमें ऐड करना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, टेस्ट भी बढ़िया लगेगा। और 4 मैंने यहाँ पे सूखी वाली लाल मिर्चें ली हैं। और अब मैं इसमें पानी डालूँगी और इसे मैं कवर करके बढ़िया से ग्राइंड कर लूँगी। सेकंड बैच में हमें टमाटर को भी पीस करके तैयार कर लेना है। तो लीजिए, हमने यहाँ पे ये सुपर टेस्टी सा मसाला बना करके तैयार कर लिया। हल्का सा दरदरा ही पीसना है। दरदरा पीसने से जो ग्रेवी का टेक्सचर है ना, वो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही खुशबूदार टेस्टी सा ये मसाला तैयार है। साथ में टमाटर की प्यूरी भी पीस करके तैयार कर ली है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं सबसे पहले डालूँगी तेल। तो तेल हमें यहाँ पे अपने सब्जी बनाने के हिसाब से ही डालना है। और जब तेल बढ़िया गर्म हो जाएगा तो हमें सीधे तेल में ये पनीर को फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, पनीर को मैं इस तरीके से साबुत फ्राई कर रही हूँ, यानी कट नहीं कर रही हूँ। उससे क्या होगा ना, पनीर ऊपर से और पीछे से क्रिस्पी हो जाएगा, यानी करारा हो जाएगा, लेकिन बीच में ये जो है सॉफ्टनेस बनी रहेगी। तो बस आगे पीछे से हमें पनीर को फ्राई करना है और बीच में पनीर सॉफ्ट रहेगा और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर हम कट करके फ्राई करते तो पनीर चारों तरफ से फ्राई हो जाता है, यानी खिंचा खिंचा सा लगता है। अगर आपको सिंपल तरीके से कट करके पसंद हो फ्राई करना, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से पसंद है तो मैंने इस तरीके से ही फ्राई किया। बस ये आगे पीछे से फ्राई होगा, अंदर से ये बिल्कुल जैसे कच्चा पनीर होता है उसी तरीके से रहेगा। तो चलिए, अब हमें इसे डायरेक्ट पानी में निकाल देना है। और इस तरीके से जब हम पानी में पनीर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो पनीर बहुत सॉफ्ट हो जाता है। जो खिंचाव होता है ना पनीर जब खाते हैं, चीड़ापन आ जाता है, वो नहीं रहता है, इससे बहुत सॉफ्ट पनीर रहता है। अब यहाँ पे मैंने एक तेज़पत्ता, थोड़ी सी हींग डाली है। फ्रेंड्स, जीरा ख़त्म हो गया था मेरे घर में तो मैंने नहीं ऐड किया, वरना आप ऐड कर दीजिएगा। जैसे ही डब्बा खोला जीरा ख़त्म था, तो अब लेने में बाहर जाती, इससे अच्छा है कि मैंने डाला ही नहीं। आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा क्योंकि जीरा बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से, अब मैंने यहाँ पर मसाला ऐड किया है और फटाफट से हम मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब मसाला हल्का शांत हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच से भी कम डालिएगा, वरना इसका जो कलर है ना, एकदम पीला हो जाएगा। चलिए, और साबुत धनिया मैंने पीस लिया था, तो बहुत थोड़ा ही मैंने धनिया यहाँ पे पिसा हुआ ऐड किया है। साथ में मैंने आधा छोटा चम्मच के करीब यहाँ पे लिया है गरम मसाला। साथ में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा किचन किंग मसाला लिया है और 1/4 चम्मच से भी कम मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है और बहुत थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। और साथ ही में अब यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, जो भी मसाले हमने यहाँ पे डाले हैं ना, बहुत ही सिंपल डाले हैं, कुछ भी मैंने बाहर से नहीं लिया है। अब यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक ऐड कर दिया है। अब नमक डालने के बाद हम
इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। तो चलिए फटाफट से हमें सभी मसाले और टमाटर के पेस्ट को अच्छे से मिक्स करना है। और फ्लेम आप देख सकते हैं मैंने मीडियम ही रखा है, तो मीडियम फ्लेम पे मसाले हमें बहुत अच्छे से मसालों की भुनाई करनी है। और जब मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएंगे तभी आएगा बढ़िया टेस्ट। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। तो उसी मिक्सी के जार में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि जो भी इसमें पेस्ट लगा हो मिक्सी के जार में वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए और हम पेस्ट का भी यूज़ कर सकें। तो लीजिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, अब हम इसे कवर करेंगे और कवर करके बढ़िया से पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे मसाले को बढ़िया तरीके से भूनना है। तो चलिए इसे पकते हुए 3 से 4 मिनट हुए हैं, बीच में हम इसे चला लेते हैं ताकि ये तले में लगे ना और बढ़िया से हम इसकी भुनाई भी कर पाएँ। तो देखिए किनारों से तेल सेपरेट हो गया है लेकिन अभी उतना बढ़िया मसाला भुना नहीं है। तो मसाले को बहुत अच्छे से भूनिएगा तभी आएगा बहुत ही बढ़िया वाला टेस्ट। तो चलिए दोबारा से कवर करते हैं और इसे दोबारा से पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारा मसाला भुन रहा है तब तक यहाँ पे हमारा पनीर भी पानी में अच्छे से फूल गया है और काफ़ी नरम भी हो गया है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं और फटाफट से हम इस पनीर को करते हैं कट। तो मैं जैसे जैसे काटूंगी आप देखेंगे कि पनीर ऊपर से और पीछे से फ्राई हुआ है लेकिन बीच में जैसे कच्चा पनीर होता है उसी तरीके से ये पनीर खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप देख सकते हैं अगर हम इस तरीके से स्क्वायर करके पीसेस को कट करते ना तो पनीर चारों तरफ से सिकता, लेकिन मुझे ऐसे पनीर बहुत अच्छा लगता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए अंदर से जैसे कच्चा हो पनीर इस तरीके से लग रहा है। पनीर भी कट हो गया है और मसाला भी हमारा ऑलमोस्ट भून चुका है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल तेल मसाले ने छोड़ दिया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स खुशबू तो मैं ही ले सकती हूँ लेकिन आप जब इस तरीके से बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, ताज़े दूध की मलाई ले ली है। तो 1 लीटर के करीब मैंने यहाँ पे दूध गर्म किया था और जो भी ऊपर ताज़ी मलाई थी उसी का ही यूज़ किया है। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं और मलाई डाल करके भी हमें इसे अच्छे से भून लेना है। तो सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि मलाई में से भी जो घी है ना वो सेपरेट हो जाए और मलाई का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो लीजिए हमारा मसाला ऑलमोस्ट भून गया है और आप देख सकते हैं मसाले ने तेल बिल्कुल छोड़ दिया है। तो चलिए अब इस स्टेज पे हमारा मसाला बढ़िया से भुन गया है, हम इसमें डाल देंगे मटर। तो यहाँ पे मैंने ली है ग्रीन वैली वाली मटर। आप अगर हरी मटर जैसे जो आती है ना मार्केट में वो आने लगी है, अगर आपको मिल जाए तो आप वो भी ले सकती हैं, लेकिन इस समय बहुत महंगी मिल रही है। तो मैंने ग्रीन वाली मटर जो आती है ना ग्रीन वैली वाली उसका ही यूज़ किया है। चलिए अब पनीर भी डाल देते हैं, मटर डाल दी है तो, और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से करेंगे मिक्स। तो लीजिए हमने मटर पनीर को बढ़िया से मिक्स किया है। अब जिस पनीर में जिस पतीले में हमने पनीर डाला था उसी में काफ़ी सारा तेल हो जाता है यानी पानी में, तो उस पानी को हमें फेंकना नहीं है, साफ़ पानी पहले ही लेना और ग्रेवी के लिए हम इसी पानी का यूज़ करेंगे। क्योंकि जब हम पनीर को फ्राई करते हैं ना फ्रेंड्स तो पनीर में काफ़ी तेल एब्जॉर्ब हो जाता है जो कि जब हम पानी में डिप करते हैं तो पानी के ऊपर आ जाता है, तो वही पानी हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, 10 से 12 काजू ले लिए हैं जो कि आधे आधे थे यानी 6-7 काजू। अगर साबुत वाले लेंगे तो उन्हें हाफ कर लीजिएगा। और काजू को मैंने इसमें ऐड किया स्पेशल, मुझे बहुत पसंद है काजू। और इसे मैंने 8-10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। तो लीजिए फ्रेंड्स ये हमारी सब्जी ऑलमोस्ट बन करके हो गई है तैयार। इसकी रंगत भी आप देख सकते हैं और जो इसमें काजू हमने साबुत डाले हैं ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप चाहे तो इसका पेस्ट बना करके भी डाल सकते हैं लेकिन पेस्ट से क्रीमी टेक्स्चर आ जाएगा, काजू का फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। साबुत काजू डालिए, पनीर और काजू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से सब्जी हमारी बनके हो गई है ऑलमोस्ट तैयार। और अब मैं इसमें फटाफट से हरा धनिया कट करके डाल देती हूँ। तो चलिए हरा धनिया डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से पहले सब्जी में मिक्स करेंगे। और लीजिए हरे धनिया का टेक्स्चर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है।
और हमारी सब्जी टोटली बन करके बिल्कुल तैयार है। गैस को बंद करती हैं और फटाफट से इसे करते हैं सर्व। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी ठंडी हो गई है सब्जी, और ठंडी होने के बाद में इसकी रंगत आप देख सकते हैं और इसका गाढ़ापन भी देख सकते हैं। तो सुपर टेस्टी ये हमारी पनीर काजू मटर की सब्जी बन करके हो गई है तैयार। फ्रेंड्स, त्योहारों में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है मैंने घर के ही कुछ सामान से, लेकिन टेस्ट इतना लाजवाब आएगा ना कि आप रेस्टोरेंट, ढाबा और होटल जाना बिल्कुल भूल जाएंगे। और इस सब्जी के साथ आप पूड़ी, पराठा, नान, कोई भी चीज़ बना सकते हैं जो कि इसके साथ कम्प्लीटली मैच करेगी, यानी खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। तो ये पनीर की रेसिपी आई होप आज की आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए भाई, सब्जी तो तैयार है और साथ में मैंने बना ली थी गर्मा गर्म रोटियाँ। तो मैं तो चली इस पनीर को खाने, क्योंकि मुझसे तो नहीं हो रहा है कंट्रोल, और मैं तो चली खाने। वाओ फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बना। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।